जो अजहरी साहब हैं उनको उनकी बेल आएगी, हम एक दिन में बेल करा देंगे, पर जो सेक्शंस अभी लगाए गए हैं उन सेक्शंस के बारे में आप लोगों के माध्यम से बोल रहा हूँ, उनको एक दिन में बेल मिल जाएगी, वो बहुत बड़ा मैटर नहीं है। पकड़े सीबीआई पकड़े ईडी पकड़े उससे हमारा मतलब नहीं है, आईपीसी के सेक्शंस में जो धाराएं लगाएगी उसके आधार पर उनकी बेल हो जाएगी। मुफ्ती अजहरी मैं उनको एक दिन में बेल करा दूंगा, जो कोई एक दिन में वो भारत देश में जिस भी जेल में होंगे वहाँ से वो एक दिन में रिहा हो जाएंगे। उसमें जितने भी आरोपी पुलिस ने बनाई है उन अजहरी साहब को और जो भी लोग हैं उनको मैं बेल करा दूंगा, वो कोई दिक्कत नहीं, अपने आप मामला ख़त्म हो जाएगा और लोकतंत्र जीवित रहेगा। वो हमारे पास आए और मैं उनको एक दिन में निकाल दूंगा, वो कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। नमस्कार, मैं हूं देव, इसमें आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। देखिए देश भर में सबसे हॉट मुद्दा इस वक्त बना हुआ है मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी का, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है गुजरात एटीएस के द्वारा, वो भी मुंबई से। सवाल इस बात का है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच पर अगर उन्होंने कोई बात कही है तो इतना बड़ा एक्शन ले लिया जाए, ये किसी ने सोचा नहीं था। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा जी। मिश्रा जी, कैसे देख रहे हैं अजहरी साहब का जो मामला है मुफ्ती अजहरी का, कैसे देख रहे हैं आप? कहा जा रहा है कि पूरे देश में आंदोलन शुरू होने वाला है जिसमें कि संत भी मौजूद हैं और कई मुसलमान भी। देखिए ये जो मोमेंट, जो पुलिस ने मोमेंट्स किया है, इसके बारे में बोलना चाहता हूँ कि वो बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक प्रोग्राम कराया गया था जिसमें दो व्यक्ति थे और उन व्यक्तियों ने इनको धर्म और एजुकेशन से लेकर के यह कुछ था प्रोग्राम से, उस प्रोग्राम पर इन्होंने कुछ बातों बातों में कुछ शब्दों का यूज किया है, शायद वो उसी के आधार पर पुलिस ने उसको ऑफेंस बनाया, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, पुलिस ने इसके साथ में जिन लोगों ने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया उनके ऊपर FIR दर्ज कर लिया। FIR से उनका जो सेक्शंस है ये ध्यान रखने की ज़रूरत है, 153, 502, 188, 144 IPC के अंदर में पुलिस स्टेशन जो जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है, जो जूनागढ़ पुलिस जा करके इसको डिटेन करती है मुंबई से इसको डिटेन किया जाता है। और इसके साथ में जो ये पुलिस ने FIR लॉन्च किया है ये तो बहुत बड़े कंजर्वेबल ऑफेंस नहीं थे, पर इसके साथ में जब उनको मौलाना साहब को जब जैसे ही अपराधी को आरोपी बना दिया गया पुलिस के द्वारा, तो उसके आधार पर पुलिस ने उनको बहुत बड़े लेवल पर, जैसे ही ये चीज़ें पूरे भारत देश में फैली तो वहाँ गुजरात के उस पुलिस स्टेशन पर एक बड़े लेवल पर लोगों का जुमड़ा आना शुरू हुआ, जो कि उस समय पर जूनागढ़ में जब प्रोग्राम कराया गया था उसी से संबंधित लोग थे, जो शिक्षा और धर्म को लेकर के जो उन्होंने कुछ बातें कही थी उसी पर आधारित यह मुद्दा था। जैसे ही वहाँ पर लोग आए तो पुलिस ने उनके ऊपर लाठीचार्ज किया, उनके ऊपर FIR किया और बहुत तरह तरह के और भी सेक्शंस, कंजाबल नॉन कंजाबल्स और कंजाबल्स दोनों तरह के ऑफेंस के आधार पर, जिसमें 10 साल से ऊपर तक की सजाओं के आधार पर कई सारे सेक्शंस का उन्होंने पुलिस ने एलिगेट कर लगे हैं, उसमें 6 सेक्शंस वहां पर लगाए गए हैं और 4 सेक्शंस से पहले लगाए गए थे। अब वो 6 सेक्शंस कौन कौन से हैं मैं आपके माध्यम से बोल देना चाहता हूँ। 332 यानी 332 IPC का, उसमें 3 ईयर्स का इम्प्रिजमेंट है। इसके साथ में 333, इसका मतलब हो गया कि 333, इसमें 10 ईयर से ऊपर का कन्विक्शन है। इसके साथ में 341 है और 356 है और इसके साथ में 353 का मतलब हो गया 353, जिसके आधार पर यह होता है कि प्रशासनिक कार्यों में अवरोध उत्पन्न करना, और इसके साथ में 341 भी है, इसी के साथ में 336 भी है। तो ये तो सिंपल है, तो ये इसके सबसे इसमें जो कंजाइवल्स ऑफेंस है सबसे जो बड़ा जो मतलब उसमें केस है वो है 333 का। इसका मतलब होता है किसी के साथ में आपने बहुत बड़े तरीके से ब्रूटल मारपीट किया है और इसके साथ में ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो ये जो लोग वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे उनके ऊपर, एक बड़ी भीड़ के ऊपर इस तरह का FIR लॉन्च किया गया है। तो मुद्दा दो तीन उठते हैं इसमें, जिसको लेकर के जिस तरह से पुलिस ने उनके ऊपर FIR किया है तो उनको शांत पूर्वक तरीके से इस बात को इतना हाईलाइट, इतना माइलेज देने की ज़रूरत नहीं थी। इन्होंने पूरी भारत देश को हिंदू मुस्लिम करने के गुजरात में और मुंबई में और मीडिया में हाईलाइट करने का लिए कोशिश की गई है, पॉइंट नंबर वन। सेकंड, उन्होंने इतना बड़ा शब्द नहीं यूज किया है, जो जहाँ तक मैंने मीडियाज़ के माध्यम से सुना है उसके आधार पर उन्होंने बातों बातों में ही बोलते बोलते कई बार आदमी बोल जाता है,
तो वो इतने हाईलाइटेड मुद्दा नहीं बोला कि जिसको लेकर के पुलिस को, पुलिस प्रशासन को इतने बड़े पूरे भारत की वर्ल्ड लेवल की न्यूज़ बना दिया जाए, तो इतना बड़ा मुद्दा नहीं था। ऐसे तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, बहुत सारे बड़े बड़े नेताओं को जो है तो कोर्ट छोड़ देती है कि कोई बात नहीं, कहीं भूल चूक में आदमी बोल दिया होगा, तो कुछ इसी प्रकार से इसको भी समझने की ज़रूरत है। तो कैसे बड़ी होंगे जो एक मुसलमान होने के नाते जो है लगा हुआ है मुफ्ती अजहरी के ऊपर कि वो मुसलमान है इसलिए ऐसा किया जा रहा है, आपको नहीं? यही तो मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि उन्होंने हिंदू मुस्लिम करने के लिए कोशिश किया है कि जिससे पूरे भारत देश में यह बात फैले। जो जिस भी सांसद का आपने नाम बोला है, उस सांसद ने कभी बेरोजगारी, महंगाई, इन सब मुद्दों पर कभी नहीं ट्वीट किया होगा आज तक का। उठा के आप देख लीजिए, जब भी वो बात करेंगे इन्हीं सारी चीज़ों पर आधारित बेबुनियाद बातें करेंगे, तो ये सारी चीज़ें उसमें उठ के सामने आ रही हैं। कैसे सर ये इन तमाम जो धाराएं लगी उनसे बड़ी कैसे होंगे? ये मैं आपके माध्यम से, लोकतंत्र टीवी के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ कि वो हमारे पास आए और मैं उनको एक दिन में निकाल दूंगा। वो कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। और जिस तरह से बीजेपी से लड़ेंगे आप? नहीं, बीजेपी से मतलब नहीं है, तो पुलिस प्रोसिक्यूशन का प्रोसेस होता है, उसके आधार पर वो निकल जाएंगे, जिससे पूरे भारत देश में बहुत बड़े लेवल पर जो हिंदू मुस्लिम होने की स्थिति बन रही है वो अपने आप मामला खत्म हो जाएगा और लोकतंत्र जीवित रहेगा। मोहम्मद मुफ्ती अजहरी को रिहा करेंगे आप? मोहम्मद मुफ्ती अजहरी से मतलब भारत देश के संविधान में रहने वाले हर व्यक्ति के पास एक कानूनी अधिकार होता है कि वो किसी भी अपने वकील से मिले और संबंधित व्यक्ति से बातचीत करे, जो उसको जानकारी चाहिए वो उसके लिए कोर्ट के माध्यम से अथवा फ्री लीगल एड सर्विसेज होती है कोर्ट में, अथवा इसके अलावा किसी भी तरीके से वो किसी भी वकील से अपने मिल सकता है। तो वो मेरे पास आएगा तो मैं उसको उसके मेल करा दूंगा, वो कोई बहुत बड़ा मसला नहीं। सुधांशु त्रिवेदी ने ट्वीट करके किया जिसके बाद ये पूरा कारवां जो आगे बढ़ा है। नहीं, वो ठीक है, उन्होंने क्या किया क्या नहीं, हमारे पास तो ऐसे बहुत सारी केसेस आती रहती है, कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। वो जब हमारे पास आएंगे और मैं उसमें जिस तरह से मैं उनके सेक्शंस को देख लिया हूँ, वो हमारे लिए बेल कराना कोई बड़ी बात नहीं है, वो आराम से हो जाएगा। विदुरी साहब ने भरी संसद में कई तरह की बातें कहीं, कटुआ न जाने और भी क्या क्या बातें कहीं, क्या उन पर कार्रवाई नहीं होगी और अजहरी साहब पर कार्रवाई होगी? मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि इस तरह के शब्दों का यूज जो करते हैं लोग, इसको पुलिस को प्रॉपर तरीके से फेयर इन्वेस्टिगेशन करके इन पर कार्रवाई, ऐसे शब्दों के आधार पर कोई भी शब्द बोलता है उस पर होनी चाहिए। पर यदि इस तरह से नहीं किया गया तो यह कहीं ना कहीं इस चीज़ को ध्यान रखने की ज़रूरत है कि फिर तो भारत देश में पुलिस प्रशासन, ज्यूडिशरी सब पे अपने आप में प्रश्न होगा, तो यह किसी जाति स्पेसिफिक को लेकर के इस तरह के प्रश्न नहीं होने चाहिए। अभी जो मुफ्ती साहब के साथ, अजहरी साहब के साथ जो किया गया, क्या वो गलत है सर? मैं आपसे एक शब्द बोलना चाहता हूं कि जो भी उनके FIRs में सेक्शंस लगे हैं, उन FIRs के आधार पर हम उनकी बेल करा देंगे, उसमें कोई दिक्कत मुझे नहीं है। गलत तरीके से ट्रीट किया गया उनको? मैं अभी FIR की चार्जशीट वगैरह नहीं पढ़ा, पर जिन शब्दों का उन्होंने यूज किया है वो मुझे नहीं लगता कि इतना कठोरतम दंड की कार्यवाही के अंडर में आता है। इसलिए मैं आप लोगों के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि उसमें जितने भी आरोपी पुलिस ने बनाई है, उन अजहरी साहब को और जो भी लोग हैं उनको मैं बेल करा दूंगा, वो कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सर। मुफ्ती अजहरी का, मुफ्ती अजहरी के मैं आप लोगों के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि मैं उनको एक दिन में बेल करा दूंगा। जो इनके ऊपर ऑफेंस लगे हैं उसको मैंने देख लिया है, उस ऑफेंस के आधार पर मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि एक दिन में वो भारत देश में जिस भी जेल में होंगे वहाँ से वो एक दिन में रिहा हो जाएंगे, पूरे भारत देश के लोग उनको देखेंगे। रिहा का मतलब यहाँ ध्यान रखना जमानत की मैं बात कर रहा हूँ। इस तरह के मैं बहुत सारे ऑफेंसेस, बड़े बड़े केसेस सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों के पास आती रहती हैं और कहीं की भी हो सकती है देश की, और इसे जघन्य अपराध की, इसमें तो कुछ ऐसा बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है जो कि मतलब उसका बेल न कराया जा सके। गुजरात ATS ने पकड़ा है सर? गुजरात ATS से मतलब नहीं है, सबके लिए सेक्शन IPC के समान होते हैं, जो सेक्शंस लगे होते हैं सेक्शंस के आधार पर मैंने बात किया है। वो ATS पकड़े, CBI पकड़े, ED पकड़े, उससे हमारा मतलब नहीं है। हमारा मतलब जो है सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड, कम टू द पॉइंट, IPC के सेक्शंस में जो धाराएं लगाई गई उसके आधार पर उनकी बेल हो जाएगी। गलत हुआ है मुफ्ती अजहरी के जिस तरह से, अभी मुझे नहीं लगता कि इतने बड़े लेवल पर उनको कन्विक्टेड करना चाहिए पुलिस को इस आधार पर, तो मुझे नहीं लगता कम से कम। क्या ये अंदेशा लगाया जा रहा है उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है, उन्हें जेल में डालने की कोशिश की जा रही है, जिस तरीका सेक्शन लगाया गया उन पे? ये तो पुलिस वाले ही बताएंगे कि उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है या पूरी चार्जशीट जब आ जाएगी पुलिस की, FIRs की कॉपी आ जाएगी, तभी हम कुछ बोल सकते हैं। पर जो सेक्शंस अभी लगाए गए हैं उन सेक्शंस के बारे में आप लोगों के माध्यम से बोल रहा हूँ, उनको एक दिन में बेल मिल जाएगी, वो बहुत बड़ा मैटर नहीं है। देखिए, लाखों समर्थक जो है मुफ्ती अजहरी के आवास पर इस वक्त मौजूद है, और आपको बता दें कि सबसे उन्होंने अपील की है कि वो घबराए नहीं,
प्रदर्शन ना करें क्योंकि शांतिपूर्वक तरीके से वो रहें और कोर्ट पर भरोसा है, तो क्या आप उनके समर्थकों को क्या कहना चाहेंगे? मैं इतना कहना चाहता हूँ कि कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, उनकी सबकी बेल हो जाएगी और पुलिस जो है तो जो चार्जशीट बनाती है उसमें बहुत सारी चीज़ों को कंप्रोमाइज करें कि जिससे भारत देश में बड़े लेवल पर व्यापक लेवल पर इस तरह से मूवमेंट ना हो, हिंदू मुस्लिम बात नहीं फैलाने की ज़रूरत है। पुलिस जिस तरह से फेयर इन्वेस्टिगेशन हो सकती है वो करने की ज़रूरत है। और मैं सारे लोगों से अपील करना चाहता हूं कि मुबमित जो अजहरी साहब हैं उनको उनकी बेल आएगी, हम एक दिन में बेल करा देंगे, कोई बहुत बड़ा उनके ऊपर ऑफेंस नहीं लगा है। ये समझ लीजिए कि उनके पीछे कौन है ये भी तो समझना पड़ेगा सर। मुझे पीछे आगे की क्यों बताते हो आप लोग, मैं नहीं समझता हूँ। आप इसी के सेक्शन से मुझे मतलब है, मैं उतने ही बात करना चाहता हूँ। पुलिस ने जो